बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम रात और आने वाले 8 से 10 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, कौन कौन से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान है, और बड़ी खबर ये कि जून के बकिया दिनों में गर्मी शदीद हबस के बाद मानसून की तूफ़ानी मूसलाधार बारिशों आंधियों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, बहुत शुक्रिया। वेदर लवर्स ताज़ा दिन रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम रात मुल्क के बेशर इलाकों मौसम गर्म और खुश रहेगा। ताम कश्मीर जी भी खैबर पख्तूनख्वा के चंद बालाई इलाकों में हल्की बारिश के इम्कान, सिंध की साहली पट्टी पर भी हल्की बूंदाबांदी में तवक्के। वेदर लवर्स और बारिशों के तमाम सिलसिले मुल्क से निकल चुके, आने वाले 4 से 5 रोज़ के दौरान मुल्क में गर्मी और हबस की शिदत में इजाफा होगा। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। तमाम वेदर लवर्स इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को, मानसून 2024 का पहला ताकतवर सिलसिला 28-19 जून से शुरू होगा। जुलाई के पहले हफ्ते से मुल्क के बेशर इलाकों में मानसून की तूफ़ानी बारिशें शुरू हो जाएंगी, जो कि कई रोज़ तक वक्फे से जारी रहेंगी। इस दौरान लाहौर समेत पंजाब के तमाम बालाई वस्ती जनूबी इलाकों, कराची समेत सिंध, क्वेटा समेत बलोचिस्तान और मुल्क के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। थरपारकर समेत सिंध के जेरी इलाकों और इंडियन बॉर्डर से मुंसलिक पंजाब के इलाकों और शुमाल मशरकी पंजाब में इस माह के आखिर से मानसून की तूफ़ानी बारिशें शुरू हो जाएंगी, जो कि जुलाई के आगाज़ तक मुल्क को अपनी लपेट में ले लेंगी। इसलिए किसान और शहरी अभी से तैयारी अपनी मुकम्मल कर लें। हाज़िर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।